वेलकम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम देख रहे हैं मैच, और मैच देखते हुए कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बना के खाते हैं, और हम लोग मिल्क शेक पीते हैं बनाना का ही ज़्यादातर। तो आज मैं अपनी बनाना शेक की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं बनाना शेक में मैं बनाना के साथ साथ डेट्स भी डालती हूँ। इनकी मैंने जो गुठली थी वो रिमूव कर ली है, और इसमें डालूंगी खालिस का दूध मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल लें तो पता नहीं चलता अभी काल मिल्क शेक वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। और शुगर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और पानी, पानी हम कैसे भूल सकते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं पानी ना डालना, पर मैं डाल देती हूँ फिर भी थोड़ा सा। और ये चॉकलेट सिरप, ये मैंने खुद बनाया था, ये मुलबिन खा भी लेती है, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर हो जाएगा मिल्क शेक का। और वाकई ही इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। खजूर डाल दी है मैंने, चीनी और आइस क्यूब्स। मुलबिन सो चुकी थी, उसके बाद मैं बना रही थी, और मैं सोच रही थी अगर मुलबिन जाग रही होती तो वो कहती थी कि मम्मा मैंने आइस क्यूब्स निकालनी है, और वो निकाल के डाल दिए। बस हो रही थी, और फिर मैंने ये दूध डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और ये चॉकलेट सिरप जो कि उतर ही नहीं रहा, फाइनली उतर गया, ये मैंने डाल दिया। और अब इसको ग्राइंड करेंगे। मिल्क शेक ग्राइंड होता है, तो वो मैं सारी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली और बर्तन भी साथ साथ धो देती हूँ, ताकि आराम से बैठ के मिल्क शेक पी लूँ जब बन जाए तो। और मिल्क शेक बहुत मज़े का बना था, सबसे पहले मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। और वाकई मैं बताना ही भूल गई थी, मतलब मुसलसल मैंने पूरा ग्लास पी के फिर सांस लिया, बहुत मज़े का बना था। चॉकलेट और उससे खजूर से अच्छा टेस्ट हो गया था, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चेंज कर दिया करें रेसिपी। ये लास्ट ओवर देख रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम बिल्कुल जीतने वाले हैं। वाह, मैं पाकिस्तान को पहली बार जीतते हुए देखूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे इन्हें 8 गेंदों पे 8 स्कोर चाहिए। 94-0 आउट, कैच था उससे छुट्टी। स्लिपिंग कर रही है और हम मैच देख रहे हैं, मतलब फिर भी परेशान खड़े हैं, लेकिन हिम्मत में तो है। चार बोलों पे 1 स्कोर, लेवल हो गया। एक रन रही है बच्चा, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम जीत के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सबके स्टेटस लग गए हैं। बाय बाय।